अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्लेजरिज्म कैसे चेक किया जा सकता है। तो प्लेजरिज्म हम चेक करेंगे टर्निटिन की वेबसाइट से। टर्निटिन को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आपके सुपरवाइज़र ने क्लास आईटी और इनरोलमेंट की शेयर की है तो क्लास आईटी को यहाँ पुट कर दें। इसी तरह से इनरोलमेंट की अपना नेम, लास्ट नेम और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, सेम वही आईडी नीचे भी पुट करेंगे तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब पासवर्ड जो है टाइप कर दें जो भी आपको रखना है अपना पासवर्ड। और ऐसा कोई सीक्रेट क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करें जिसका आंसर भी आपको याद रहे। सपोज़ मैं जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ कंट्री का। ठीक है, अभी दुबई मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि मुझे याद रहेगा। सिर्फ वन वर्ड का सीक्रेट जो आंसर है वो से रखें। ठीक है, तो अभी आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। ये पहले से मैंने एक प्लेज चेक किया हुआ था। नाउ अब ये देख लें आप कि सबमिशन टाइटल में आपने जो भी लिखना है अपना नेम और जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी है वो आप पुट कर दें, या फिर जो टाइटल है आपके थीसिस का वो आप पुट कर दें। ओके, तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर पहले से एक फ़ाइल जो है प्लेज चेक करने के लिए रखी हुई थी वो मैं यहाँ अपलोड कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये अपलोड हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो किसी भी टाइप की आपको अगर हेल्प चाहिए रिलेटेड टू द प्लेज या थीसिस के हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो नंबर ऑफ वर्ड काउंट और फाइल साइज़ ये सब कुछ आपके पास शो हो जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं। जब ये अपलोड कंफर्म करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ये वही फ़ाइल है जो जिसका आप प्लेज चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो पेजेस आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि वही सेम फाइल है। कभी कभी स्टूडेंट्स जो है वो चेंजेस करते हैं और सेम फाइल भी कभी डाउनलोड हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखें यहाँ पर जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स अभी शो नहीं हुआ है तो हम व्यू में चले जाएंगे। अब जो है मैं क्लिक करती हूँ व्यू पर। रीसबमिशन का ऑप्शन जो है अभी भी जो है वो ओपन है, रीसबमिट भी आप कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी प्लेज फाइल। ये जहाँ जहाँ से रेड हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इस फाइल में आपकी प्लेज है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फाइल में जो प्लेज है वो 20% शो हो रहा है। अच्छा, देखें टू फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक इसकी HTML फाइल है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ से प्लेज जो है रिमूव करना है अपनी फ़ाइल में से तो आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लें और फिर जहाँ जहाँ से प्लेज है इसको देखते हुए रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जो इसका करंट व्यू है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है।
नाउ मैं सेव कर देती हूँ अपने पास। किसी भी फोल्डर में आप जो है इसे सेव कर सकते हैं अपने पास फ्लैश रिमूव करने के लिए नेक्स्ट फाइल में। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं नंबर जो है मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए रिलेटेड टू द प्लेज या फिर स्मार्ट PLS का डेटा रन करवाना हो, EVUs पर डेटा रन करवाना हो और SPSS फाइल से रिलेटेड कुछ वर्क हो या थीसिस से रिलेटेड कुछ वर्क हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये PDF की जो फाइल है ओपन हो गई है। ठीक है, आप इसको देख कर